पढ़ा थंबनेल में कि हमें उस समय क्या करना चाहिए जब हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो दो चीज़ें क्या ऐसी करनी चाहिए आपको आपकी लाइफ में जब आप अपना डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हो, और वो दो चीज़ें जब आप अनडिसिप्लिन काइंड ऑफ लाइफ जीते हो। तो अगर आप वो दो चीज़ें करते हो तो आपको काफ़ी मदद मिलती है अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम सब छोटे होते हैं तो हमारे ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी जो एज है वो 10 ईयर्स से 20 ईयर्स के बीच में डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम होता है। सिर्फ स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, जॉब वगैरह आपको कुछ खास करनी नहीं होती, तो डिस्ट्रैक्शन उस समय काफ़ी कम होता है। लेकिन उस समय जो आपका गोल होता है, अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, जैसे कि कोई सिंगिंग वगैरह है, कोई टैलेंट वगैरह चीज़ है, या कोई क्रिकेट है, या कोई आपका आर्टिस्ट वगैरह की हॉबीज़ है, या कोई बिजनेस के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो उस समय जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो पीक पे होती है। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हो, जब आपकी एज बढ़ती है, उस समय पर डिसिप्लिन फॉलो करना इतना आसान नहीं हो जाता है। तो उस समय आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप जो आप अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उस डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो कर पाए। ठीक है, तो इसी बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो देखिए, जो दो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पहली जो चीज़ होगी वो ये होगी कि डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, डोंट बी हाइपर। देखिए, ऑलरेडी चीज़ें बिगड़ी हुई है आपकी लाइफ में, ऑलरेडी आपकी हैबिट्स ख़राब है, ऑलरेडी आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब आप अच्छी हैबिट्स करते हो, जब आप जिम वगैरह जा रहे हो, डेली रनिंग कर रहे हो, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, काम वगैरह अच्छा कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपकी हैबिट्स गंदी होती है तो कॉन्फिडेंस हमेशा कम होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को पता होता है कि आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो जब भी समय आएगा तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपका हैबिट्स अच्छा नहीं है, राइट? तो ऐसे में अगर आप स्ट्रेस लेते हो, ऐसे में अगर आप हाइपर होते हो, मैं मानता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हो, आप काफ़ी सीरियस हो, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, कुछ धोखों की वजह से आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन और डिसिप्लिन वाली लाइफ नहीं जी पा रहे। तो आपको ये समझना होगा कि इस समय अगर आप स्ट्रेस लेते हो, हाइपर होते हो, तो वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा आपको डिसिप्लिन में आने के लिए। ठीक है, तो आप इसे तो ज़ीरो कीजिए, ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो उसे लोअर डाउन कीजिए एटलीस्ट, सो दैट इस सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कीजिए और थोड़ा इन्जॉय कीजिए। ऐसे मूवमेंट में आपका, अगर आप डिसिप्लिन अच्छा फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी सारी हैबिट्स ख़राब हो चुकी है, हर एक चीज़ आप ख़राब कर रहे हो, सुबह से शाम कुछ भी खाते हो, कुछ भी देखते हो, और आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं बिल्कुल भी सही चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो उस समय पे आपको जो एक चीज़ करना है कि शांत रहिए, देखिए आप क्या कर रहे हैं, खुद को ऑब्जर्व कीजिए और समझिए गलती कहाँ पे हो रही है। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, टेक स्मॉल स्मॉल चेंजेस। आपको एकदम से अगर आप बदलने चाहोगे कोई भी चीज़ तो बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप मे भी बदल भी लो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, लेकिन फिर आप वही हैबिट्स में आ जाओगे जो हैबिट्स में आप पहले थे। आपको काफ़ी शार्प तरीके से काम करना है। जैसे कि आपकी एक हैबिट होती थी कि जब भी आप, मान लीजिए अगर आप एक सिंगर हो, तो आप पहले सिंगिंग सीखते थे अपने क्लास में, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन में आप सीखते थे, तो वहाँ पे अगर 5 बजे शाम को पहुँचना होता था तो आप पहले 4:30 बजे ही पहुँच जाते थे, इतना एक्साइटमेंट होता था। लेकिन अभी आप जॉब करते हो, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो आपका जो हार्डवर्क है वहाँ पे भी जा रहा है, अब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, जिसके वजह से आप 5 बजे नहीं पहुँच पा रहे हो शाम को, अब आप न चाहते हुए भी 5:30 या 6 बजे पहुँच रहे हो। तो जब भी ऐसा होगा, आपको डाउट होगा कि मैं अब गलत कर रहा हूँ, मैं अब उतना डिसिप्लिन नहीं रह चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, आप हाइपर होते हो। तो पहले तो आपको हाइपर जो हो, आप जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहे हो उसको कम करना है, और फिर आपको देखना है कि आप क्या क्या करोगे। तो अब इसमें आपको जो सेकंड टॉप मैंने जो पॉइंट बताया वो है, आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप लेना है। तो ये स्मॉल स्मॉल स्टेप का मतलब ये होगा कि आपको एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि आप पूरे दिन क्या कर रहे हो, और आपको एक ही दिन में 5 बजे नहीं पहुँचना है, अपने आप को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, ये लाइफ की बात है। जब तक आप अनडिसिप्लिन में नहीं रहोगे तब तक आपको डिसिप्लिन में रहने की कीमत नहीं पता चलेगी। आप लाखों वीडियो देख लीजिए, लाखों लोगों को सुन लीजिए, जब आप अनडिसिप्लिन में रहते हो, जब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो, वो समय भी एक ऐसा समय होता है जो आपको सिखा जाता है। तो आप छोटा छोटा स्टेप लीजिए, अपने समय को एडजस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, तो धीमे धीमे 5 मिनट 10 मिनट, तो इस हिसाब से आप धीमे धीमे उस समय पर पहुँच जाएंगे। अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप चाहते हो कि 5 बजे पहुँचना है, तो आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद, या 15 दिन के बाद, या एटलीस्ट 1 महीने के बाद उस समय तक पहुंच जाओगे।
लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो गलत है। तो ये दो टिप को यूज़ कीजिए, ये दो चीज़ों को फॉलो कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ भी होती है, बट मैं कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ, लेकिन मैंने ये फील किया है कि स्ट्रेस लेना इस चीज़ का हल नहीं है, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप मुझे शेयर कर सकते हैं आपके कमेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आप अपना समय निकाल के ये वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ ग्रेट डे, बाय।